गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटीरिया। कॉम्पटीरिया पर 7 जेपीएससी पीटी के लिए मैंने स्टार्ट किया था झारखंड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने अति महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों के संकलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 7 जेपीएससी पीटी और जेएसएससी में पूछे जा सकते हैं, उसकी श्रृंखला चालू की थी। उसी में मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। किस अंग्रेज अधिकारी ने घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ में राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को देने की सिफारिश की थी? जी डलास। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने संथाल क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के विश्वास अर्जन हेतु किस योजना की शुरुआत की थी? नकदी भत्ता योजना 1778 में। पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी का निधन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर जेल में। विष्णु मानकी दुखन शाही बख्तर शाह का नाम किस विद्रोह से जुड़ा है? तमाड़ विद्रोह। झारखंड के जनजातीय इतिहास में सबसे लंबा और बृहद विद्रोह माना जाता है तमाड़ विद्रोह। गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित है? भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण सिंह की हत्या किसने की? चेतन सिंह ने। झारखंड का पहला संगठित विद्रोह माना जाता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत। खरवार विद्रोह जो दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ, इसका क्या कारण था? जनगणना कार्य। हरिबाबा आंदोलन 1931 किसके नेतृत्व में हुआ? दुका हो। हूल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी। किसे संथाल विद्रोह का मार्गदर्शक माना जाता है? श्याम टुडू। किस अंग्रेज अधिकारी ने संथाल विद्रोह को संथाल मुठभेड़ की संज्ञा दी है? LSSO मूले। संथाल विद्रोह की स्मृति में हूल दिवस आयोजित किया जाता है 30 जून को। संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू और कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई? बरहेट में। संथाल परगना में यूल रूल लागू किया गया 1856। संथाल में बंधुआ मजदूरी को कहते थे कामिया या कम्युनिटी। सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल हेम्ब्रोम। बिरसा मुंडा का आंदोलन कहलाता है उलगुलान। बिरसा मुंडा के द्वारा किस तिथि को चर्च पर हमले कर ईसाइयों का नरसंहार किया गया? 25 दिसंबर 1897। बिरसा मुंडा के विद्रोह की राजधानी स्थल था डोंबारी पहाड़ी खूटी में। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक की रचना किसने की? कुमार सुरेश सिंह ने। टाना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खींचना। झारखंड में किस आंदोलन को कुडुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है? टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का विशुनपुर में नेतृत्व किसने किया? भीखू भगत ने। अब हम स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? रोहड़ी ग्राम देवघर से। 1857 के विद्रोह में झारखंड में प्रथम हत्या किस अंग्रेज की गई? नॉर्मन लेस्ली की। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। लोहरदगा के भीषण ककरंग जंगल में किसके विश्वासघात के कारण विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय गिरफ्तार हुए थे? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के कारण। झारखंड के किस महान सेनानी को चुटुपालू घाटी में फांसी दिया गया? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को। चतरा के युद्ध में जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? मेजर इंग्लिश ने। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई? लेस्लीगंज में। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस नायक के ऊपर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी? अर्जुन सिंह के ऊपर।
1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग और चतरा के उपायुक्त कौन थे? सिंपसन। बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा गोल्डन लीग नामक संस्था किस स्थान पर स्थापित की गई? देवघर पर। झारखंड के किस क्रांतिकारी को ठाकुर दा के नाम से जाना जाता था? मनोरंजन गुहा। क्रांतिकारियों के द्वारा तरुण शक्ति नामक पत्रिका किस स्थान से संपादित किया जाता है? चाईबासा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा रांची में किस संस्था की स्थापना की गई? अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया। पहली बार 4 जून 1917 को किसके नियंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के। रांची में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ? गुलाब तिवारी के। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1920 में कहाँ आयोजित किया गया? डाल्टनगंज। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 16वें अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती सरला देवी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी ने देसर कथा नामक पुस्तक लिखी? सखाराम गणेश ने। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस भूक्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? साहेबगंज को। स्वराज पार्टी के टिकट पर रामेश्वर लाल 1923 में किस स्थान से निर्वाचित घोषित किए गए? संथाल परगना। किसके आग्रह पर गांधी जी ने 1925 में जमशेदपुर की यात्रा की? C.F. एंड्रूज। 1924 में किसके नेतृत्व में सिंहभूम में हार्ट कर न देने का आंदोलन चला? विष्णु माहुरी। साइमन कमीशन के खिलाफ रांची में किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया? A.K. सहाय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस संस्था ने निभाई जिसे बाद में प्रतिबंधित भी कर दिया गया? तरुण संघ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी? कैदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कहाँ जंगल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? चक्रधरपुर। सैल बाला राय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया? संथाल परगना। रामगढ़ अधिवेशन 1940 का प्रवेश द्वार किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? बिरसा मुंडा। गांधी जी झारखंड का अंतिम दौरा किस वर्ष किए थे? 1940। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय और राम नारायण सिंह ने। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में किस स्थान पर पुलिस बल का विद्रोह हुआ? जमशेदपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार गठित की गई? शरवण में, जो कि देवघर में पड़ता है। देवघर के साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका का संपादन करते थे हरिराम गुटगुटिया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से किस तिथि को अपने साथियों सहित भाग निकले? 9 नवंबर 1942 को। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजेश्वरी सरोज दास ने। 1920 में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी S.N. हल्दर और ब्योमेश चक्रवर्ती द्वारा। अब हम झारखंड आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिएगा। झारखंड आंदोलन का आरंभिक स्वरूप था पृथकतावादी। झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है J. Bartholomew को। साइमन कमीशन के सामने सर्वप्रथम झारखंड को अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग छोटा नागपुर उन्नति समाज के किन दो सदस्यों ने की थी? बिशप वांगियों ल्यूक तथा जुएल लकड़ा ने। 1931 में ठेबले उराव और पाल दयाल ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की? किसान सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के किस सदस्य ने 1937 में बिहार मंत्रिमंडल के गठन पर छोटा नागपुर को बिहार का उपनिवेशवाद की संज्ञा दी? इग्नेस बेक। आदिवासी महासभा 1938 के अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिस रिचर्ड द्वारा किस वर्ष किया गया? 1948 में। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने किस स्थान पर की? जमशेदपुर में। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर विजय प्राप्त कर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी होने का गौरव प्राप्त किया?
33 झारखंड पार्टी का बिहार कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? 1963 में। 1967 में बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया? ललित एवं प्रेमा कुजूर द्वारा। कार्तिक उराव द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1966 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद में किनके द्वारा किया गया? विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा। शिबू सोरेन ने 1978 में किस मार्क्सवादी नेता के साथ मिलकर पटना में प्रसिद्ध आदिवासी रैली की थी? एके राय के साथ मिलकर। झारखंड अभियान के दौरान किस क्रांतिकारी संगठन का नारा था, खून के बदले खून, आजसू? सूर्य सिंह बिसरा ने 1986 में किस संगठन की स्थापना की, आजसू की। 1987 में गठित झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद किशोरी को। भाजपा ने किस वर्ष वनांचल राज्य गठित करने की घोषणा की, 1988। 1991 में झारखंड के किस संगठन ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, झारखंड पीपुल्स पार्टी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किया गया 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया शिबू सोरेन को। किस मुख्यमंत्री का कथन था, बिहार का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लालू यादव। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर के आर नारायणन। बृहद झारखंड राज्य की मांग में मध्य प्रदेश से कितने जिले शामिल किए जाने थे, 2 जिले सरगुजा एवं रायगढ़। अब हम महत्वपूर्ण झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने झारखंड के लिए काफ़ी संघर्ष किया। झारखंड वीर सेनानियों की उन्नत भूमि रही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत झारखंड की भूमि से ही हुआ। झारखंड के आदिवासियों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, उलगुलान, टाना भगत आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, बिरसा, जतरा भगत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासियों ने ही सर्वप्रथम अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह आरंभ किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह से लेकर 1947 ईस्वी के आज़ादी तक देश में घटित होने वाली कोई भी घटना झारखंड अछूता नहीं रहा। गांधीवादी आंदोलनों में झारखंड की भूमिका अग्रणी ही रही है। बाबा तिलका मांझी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तिलका मांझी का जन्म सुल्तानगंज बिहार के तिलकपुर गांव में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। मांझी राजमहल क्षेत्र के संथालों से संबंधित थे। तिलका मांझी किशोर अवस्था से ही स्वभाव निष्ठ व्यक्ति और स्वतंत्रता के पोषक थे। यही कारण रहा कि वे अंग्रेजों के अत्याचारी स्वभाव से व्यथित होकर विद्रोही बनने को मजबूर हुए। तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र भागलपुर के निकट बनचरिजोर नामक गांव था। तिलका मांझी अपने विद्रोह के प्रसार हेतु सतुआ पत्ता का प्रयोग संदेश के रूप में करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर लड़ाई प्रारंभ की। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड उन्हें आतंक का पर्याय मानता था। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को 13 फरवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। पूरी ब्रिटिश फौज में क्लीवलैंड की मौत से दहशत फैल गई। 1785 में जौराह नामक पहाड़िया सरदार के धोखा देने से अंग्रेज तिलका मांझी को पकड़ने में सक्षम रहे, जिसके बाद अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दी। तिलका मांझी को झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन एवं विद्रोह पर शिलागीर नामक उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा। हूल पहाड़िया नामक उपन्यास में हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया। इस प्रकार से हमने बाबा तिलका मांझी के बारे में संक्षिप्त परिचय लिया। अब हम बिरसा मुंडा के बारे में संक्षिप्त परिचय लेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातु ग्राम में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी हटू तथा इनके 5 भाइयों के नाम कोंता, इसकीर, चंपा एवं कानू था। बिरसा का परिवार सरना से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था। इस दौरान
बिरसा के पिता सुगना मुंडा का नाम मसीदास और बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। दीक्षा कार्यक्रम 7 मई 1886 को चाईबासा लुथरेन मिशन में संपन्न किया गया। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने बुरजू मिशन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा ली। इसके प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग और आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा पेशे से बुनकर थे। अंग्रेजी व्यवस्था एवं ईसाइयत से दुखी होकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने वैष्णव धर्म पर बल दिया तथा खुद जनेऊ खड़ाऊ रंगा हुआ पीला धोती पहनने लगे। बिरसा ने खुद को सिंगबोंगा का दूत बताया तथा लोगों को सिंगबोंगा के पूजा करने की अपील की। साथ ही वे मुंडाओं को जनेऊ पहनने की भी शिक्षा दी। इस प्रकार बिरसा मुंडा की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। इनका धर्म बिरसाइत धर्म कहलाया। इन्होंने 1895 में खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया और लोग इन्हें भगवान कहने लगे। बिरसा को सर्वप्रथम भगवान स्थानीय थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। सामाजिक धार्मिक सुधार के बाद बिरसा ने अंग्रेजी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और लोगों को नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और अपना राज्य स्थापित करो। बिरसा की ख्याति से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिशों ने षड्यंत्र कर उन पर आरोप लगाया कि वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का कार्य करते हैं। यही आरोप लगाकर उन्हें 1895 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2.5 वर्ष पश्चात जब बिरसा को महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को जेल से रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बिरसा सेना का निर्माण किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने लगी। बिरसा ने समस्त मुंडाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित होने का आह्वान किया। खूंटी के समीप डोंबारी पहाड़ी बिरसा आंदोलन का केंद्र बन गया। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा द्वारा वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया गया। क्रिसमस के दिन बिरसा ने चर्च पर हमला करके कई ईसाइयों को हताहत कर दिया और घोषणा की, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजों को नियमों का पालन नहीं करेंगे। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। 3 फरवरी 1890 को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा को गिरफ्तार कर डोरंडा बिरसा कारागार में रखा गया, जहां 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हैजा बताया गया। 9 जून 1900 को ही राज्य के कोकर डिस्टिलरी पुल के निकट इन्हें दफना दिया गया, जहाँ आज भी बिरसा स्मारक है। के बाद हम चर्चा करते हैं गया मुंडा के बारे में। मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता गया मुंडा थे। ये खूंटी जिले के एटकडी गांव के रहने वाले थे। एटकडी तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 को उसके गाँव एटकडी पहुँचे, जहाँ 22 अक्टूबर 1901 को इन्हें फांसी दी गई। इसी घटना में गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास, जयमा सिंह मुंडा को देश निर्वासन एवं उनकी पत्नी माकी को 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पास कोयल नदी के किनारे सिलागाई ग्राम में एक उराव परिवार में 17 फरवरी 1792 को हुआ था। इनके द्वारा 1831-32 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इन्होंने बुंडू तमाड़ पिठौरिया आदि स्थानों पर अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उनका डटकर सामना किया। ये झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिद्धो कान्हू, जतरा भगत, भगीरथ मांझी, रानी सर्वेश्वरी, रघुनाथ महतो और गंगा नारायण सिंह और भी अन्य बहुत से महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर बहुत ही रोचक जनरल स्टडीज़ और ऑल स्टेट PCS के GK के डाइजेस्टिव कैप्सूल कोर्सेज चलते रहते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं,
झारखंड जीके के 7 JPSC PT के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स की सीरीज़ दोबारा मैंने स्टार्ट कर दी है। सीरीज़ जहाँ से स्टॉप की गई थी एकदम वहीं से स्टार्ट की गई है। तो झारखंड जीके के लेक्चर्स चलेंगे। अभी 6th JPSC PT के रिजल्ट्स को रिवाइज़ किया गया है, तो मुझे लगता है कि 7 JPSC PT होने में भी काफ़ी समय है, तब तक इस कोर्स को ख़त्म करा लिया जाएगा। तो 7 JPSC PT के एस्पिरेंट्स तैयार हो जाएं और झारखंड जीके लेक्चर्स को कॉम टेरिया पर ज़रूर से देखें, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। एक वृक्ष लगाने का हर विद्यार्थी श्रोता संकल्प लेगा। कॉम टेरिया पर नित्य नियमित वीडियोस को देखते रहें। जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं अब होने वाली हैं उन सारी परीक्षाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स कॉम टेरिया पर आपको मिलेंगे। कॉम टेरिया पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का प्रसार करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना ना भूलें। कॉम टेरिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव।